कई बैंकों का 9000 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में भारत के नामांकित कारोबारी विजय माल्या ने मंगलवार को यह दावा किया कि अपना बचाव करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत है। तो उसी के साथ उन्होंने ये कहकर भी भारतीय अधिकारियों पर तंज कसा कि आप 1 अरब पाउंड का सपना देख सकते हैं। इसी केस की सुनवाई के सिलसिले में वेस्ट मिनिस्टर के मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए 61 साल के माल्या ने कहा, मैं लगाए गए सभी आरोपों को नकारता हूँ और उन्हें नकारता रहूँगा। मुख्य मजिस्ट्रेट ने उन्हें 4 दिसंबर तक की जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। माल्या ने अदालत के बाहर पत्रकारों को बताया, मैं किसी अदालत से नहीं बच रहा। अपना पक्ष साबित करने के लिए मेरे पास पर्याप्त सबूत है। अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या और कुछ समर्थकों के साथ अदालत पहुंचे माल्या ने कहा, मैं मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं करता क्योंकि मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। माल्या को स्कॉटलैंड यार्ड ने अप्रैल में गिरफ्तार किया था और उसके बाद से वह जमानत पर है। उनकी जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। माना जाता है कि ये मामले की अंतिम सुनवाई 4 दिसंबर को ही होगी। माल्या ने दावा किया है कि कर्ज की राशि कहीं और खर्च नहीं की गई। उन्होंने पत्रकारों को बताया, आप 1 अरब पाउंड का सपना देख सकते हैं। आप तथ्यों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते।